भूख से बेबस एक नन्ही सी बच्ची बेदम जमीन पर बैठी हुई है। खाना दूर है, वहां तक जाने के लिए जमीन से खिसट कर जाना है, लेकिन इतनी ताकत भी नहीं बची है, इसलिए वो घुटने मोड़ कर बैठ जाती है और अपना सिर जमीन से टिका लेती है। इतनी देर में लड़की से कुछ दूर जमीन पर आकर बैठ गया है गिद्ध, जो लड़की के बिना हाड़ मांस वाले शरीर को देख रहा है और इंतजार में है कि कब उसकी मौत हो ताकि वो उसके मरे हुए शरीर को खा सके। ये कहानी एक तस्वीर की है, एक तस्वीर जो हजारों शब्दों से ज्यादा ताकतवर थी। तस्वीर का नाम द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, दुनिया की कुछ सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक, जिसके पीछे की कहानी तस्वीर से भी मार्मिक है। कैसे खींची गई ये तस्वीर, क्या थी इस तस्वीर की पूरी कहानी, क्या हुआ तस्वीर में दिख रही उस बच्ची का, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे हैं तारीख। साल 1993 की ये बात है। उत्तरी अफ्रीका का एक देश सुडान गृहयुद्ध की मार झेल रहा था, साथ ही देश में अकाल पड़ा हुआ था। लोग दाने दाने को मोहताज थे, लोग यूएन रिलीफ कैंप्स के बाहर भीड़ लगाए हुए थे इंतज़ार में कि कब यूएन का प्लेन आएगा और उन्हें कुछ खाने को मिलेगा। उस साल मार्च के महीने में यूएन के प्लेन में कुछ पत्रकार भी आए। खुद को बैंग बैंग क्लब कहने वाला एक ग्रुप दुनिया भर में आपदा और युद्ध की रिपोर्टिंग करता था। ग्रुप के एक मेंबर का नाम था केविन कार्टर। केविन दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे और फोटो जर्नलिस्ट का काम करते थे। केविन सुडान में खींची अपनी तस्वीर के लिए दुनिया भर में फेमस हुए, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब केविन ने ऐसे दर्दनाक दृश्य अपने कैमरे में कैद किए हों। केविन ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का दौर देखा था, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की फ़ौज में ड्यूटी की थी। इस दौरान एक बार उन्होंने देखा कि एक गोरा फौजी मेस में काम कर एक ब्लैक लड़के की बेइज्जती कर रहा है। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, बदले में उनके अपने ही साथियों ने उन्हें पीट डाला। दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों से अन्याय होता देख उन्होंने फोटो जर्नलिस्ट बनने का फैसला किया ताकि अन्याय की हकीकत कैमरे में कैद कर सकें। बहरहाल 1993 के सूडान में वापस लौटते हैं केविन कार्टर। सूडान में गृहयुद्ध कवर करने गए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें वहाँ अकाल और भुखमरी की ऐसी भयानक तस्वीरें देखने को मिलेंगी। उन्होंने सूडान के अंदरूनी इलाकों में जाने का फैसला किया ताकि वहाँ के हालात देख सकें। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उन्होंने फौजी कमांडर से मदद मांगी। वहाँ मौजूद कुछ सैनिकों ने केविन की कलाई में बंधी घड़ी देखी। केविन ने घड़ी उतार कर सैनिकों को दे दी। इसके बाद कुछ सैनिक बॉडीगार्ड बनकर केविन के साथ चलने लगे। अगले कई दिनों तक गांव-गांव घूमकर केविन अपने कैमरे में सूडान की भयानक हालत को कैप्चर करने लगे ताकि दुनिया इस हकीकत से रूबरू हो सके। उन्हें उम्मीद थी इससे सूडान के भूखे लोगों को मदद पहुंचाई जा सकेगी। उनके साथी भी ऐसा ही कर रहे थे। ग्रुप के तीन लोग अलग अलग इलाकों में तस्वीरें खींच रहे थे। काम पूरा होने के बाद तीनों एक जगह पर मिले, बाकी दो लोग अपनी अपनी तस्वीरें एक दूसरे को दिखा रहे थे। तभी वहाँ केविन आए। आते उन्होंने कहा, जो तस्वीर मैंने खींची है तुम्हें उस पर विश्वास नहीं होगा। उसके बाद केविन ने ग्रुप के बाकी दो लोगों को एक तस्वीर दिखाई। ये वही तस्वीर थी जो बाद में द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल के नाम से चर्चित हुई। ये तस्वीर कैसे खींची गई इस बारे में केविन ने अपने साथियों को बताया। बकौल केविन वो एक छोटे बच्चे की तस्वीर खींच रहे थे। इसी बीच एंगल बदलने के इरादे से उन्होंने कैमरे को घुमाया, तब उन्होंने देखा कि एक गिद्ध बच्चे के ठीक पीछे बैठा हुआ है। कार्टर इस फोटो की भयावहता से परेशान थे। वापस घर लौटने के बाद कई हफ्तों तक वही तस्वीर उनके दिमाग में घूमती रही। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने 26 मार्च 1993 के एडिशन में केविन की तस्वीर छाप दी, जिसके नीचे लिखा था, भूख से कमज़ोर एक छोटी सी लड़की खाने की तलाश में जा रही है, पास ही एक गिद्ध इंतज़ार कर रहा है। केविन की खींची उस तस्वीर ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया। अगले कुछ दिनों में न्यूयॉर्क टाइम्स के पास आए खतों में एक ही सवाल होता था, लोग जानना चाहते थे उस लड़की का क्या हुआ। इस तस्वीर ने लोगों पर खूब असर डाला। लोग सूडान की मदद के लिए चंदा जमा करने लगे और केविन की तस्वीर सूडान के संकट का प्रतीक बन गई। हालांकि केविन इससे खुश नहीं थे। सूडान में उन्होंने जो देखा उसने उन्हें अवसाद से भर दिया। इसका बड़ा कारण ये भी था कि लोग केविन से गुस्सा थे। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि केविन कैमरे से फोटो खींचने में टाइम वेस्ट करते रहे, जबकि वो चाहते तो लड़की को उठाकर फूड कैंप तक पहुंचा सकते थे। क्या ये बात सही थी? नहीं, सैनिक हर समय केविन के साथ चल रहे थे और उन्होंने केविन को खास हिदायत दी थी कि किसी भी मामले में हस्तक्षेप ना करें। केविन के हाथ बंधे हुए थे, वो चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने
वही किया जो उस वक्त ज़रूरी था। सूडान की तस्वीरें उन्होंने दुनिया तक पहुंचाई जिनकी बदौलत सूडान को मदद मिली, लेकिन लोगों के लिए इतना काफ़ी नहीं था। लोग जानना चाहते थे कि उस बच्ची का क्या हुआ, क्या उसे खाना मिला, क्या वो फूड कैंप तक पहुंच पाई। केविन के पास इन सारे सवालों के जवाब नहीं थे। तस्वीर खींचने के बाद उस जगह से लौट आए थे। बाद में उन्हें इस तस्वीर के लिए पत्रकारों और लेखकों को दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुलित्जर सम्मान दिया गया। हालांकि पुरस्कार पाने के कुछ दिन बाद ही केविन की मृत्यु हो गई। कहते हैं सूडान के हालात का केविन पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली थी। अब सवाल ये कि उस बच्ची का क्या हुआ जिसकी तस्वीर केविन ने ली थी। साल 2011 तक दुनिया उस बच्ची के अंजाम से बेखबर थी। 2011 में कुछ स्पेनिश पत्रकार सूडान गए ये जानने के लिए कि केविन की तस्वीर वाली लड़की के साथ क्या हुआ। हालांकि उन्हें वहां वो लड़की नहीं मिली, उनकी मुलाकात उसके पिता से हुई, तब उन्हें पूरी कहानी पता चली। असल में द वल्चर एंड द गर्ल नामक तस्वीर की वो लड़की नहीं लड़का था, उसका नाम था कोंग न्योंग। न्योंग के पिता ने बताया कि तस्वीर खींचने के बाद गिद्ध वहाँ से उड़ गया था और न्योंग सही सलामत फूड कैंप तक पहुंच गया था। न्योंग की जान बच गई, लेकिन फिर भी वो एक लंबा जीवन नहीं जी सका। उसके पिता के अनुसार साल 2007 में एक अनजान बीमारी के चलते न्योंग को भयानक बुखार आया और उसकी मौत हो गई। यानी द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल में जिसकी तस्वीर थी और जिसने तस्वीर खींची, दोनों की मौत हो गई, लेकिन ये तस्वीर अमर हो गई। आज भी इस तस्वीर को दुनिया की सबसे मार्मिक तस्वीर के रूप में जाना जाता है। कैसी तस्वीर जो एक पुरानी कहावत को चरितार्थ करती है, अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स, यानी एक तस्वीर हज़ार शब्दों के बराबर होती है। बहरहाल आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। यह एपिसोड आपके लिए लिखा था हमारे साथी कमल भट्ट ने। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, लल्लन टॉप चुनाव यात्रा हो चुकी है शुरू। यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके गाँव या शहर में पहुँचें, तो हमें बताइए क्या है आपकी सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स इसे बनाते हैं खास। बताना कहाँ है, chunav@lallantop.com पर लिखकर भेज दीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में भी एक फॉर्म दिया गया है, उसे भी ज़रूर भरें। शुक्रिया। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक, गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।